शर्मा है और ये सब जूनियर है मेरे, मैं इनके सीनियर हूँ और मैं परमानेंट स्टाफ हूँ। और हम परमानेंट स्टाफ चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बहाल किया जाए, क्योंकि ये बच्चे हमारे साथ ड्यूटी कर रहे थे, जैसे मर मर के हम लोगों ने कोविड में ड्यूटी करी है। जिस समय कोई अपने परिवार को नहीं छू रहा था, लोग अपने परिवार को छोड़ छोड़ के भाग जा रहे थे, उस समय ये सब बच्चे हमारे साथ खड़े थे। और मैं चाहती हूँ कि सर इनको बहाल करें, हमारे प्रिंसिपल सर सुने, उन्होंने हमारी बात हमेशा मानी है। हम अपने सर को दोषी नहीं मानते, उन्होंने हमारी बात मानी, हमारी हर बात को पूरी करते हैं, हमारे मेटर हो चाहे हमारे सर हो सब मानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जूनियर मेरे भाई बहन है छोटे, इनको बहाल किया जाए। नहीं, आपका जब सर इतना मानते हैं तो सर से मनवाइए इस बात। हमने सर से बात करी है, अगर हमारे बच्चों को बहाल नहीं किया गया तो कल से हम लोग भी ड्यूटी करके यही बैठेंगे इनके साथ में भूख हड़ताल पे। ये हम लोगों ने बात कर ली है कि अगर इनको बहाल नहीं किया गया, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो बहुत थर्ड स्टेज पर चलते हैं, क्योंकि सीनियर जो होते हैं वो करते हैं। गलती किसकी है? डॉक्टर्स की, और जो वहाँ पर नोडल अधिकारी बने तो उनकी गलती है। ये सब किसकी गलती है, इससे हमें मतलब नहीं, हमारे बच्चों ने गलती नहीं करी, हम नर्सिस ने कोई गलती नहीं करी, इसलिए हम चाहते हैं कि इनको बहाल किया जाए। और सारी नर्सिस इनके साथ है, पूरी इंडिया की नर्सिस इनके साथ में, ये नहीं कि केवल कानपुर की, पूरी इंडिया की नर्सिस इनके साथ में। हमारी जो अध्यक्ष है उनकी अभी बीमार चल रही, वो नहीं आई आज, नहीं तो वो आज यहाँ पर होती हमारी नर्सिस। ये दिन को बहाल नहीं किया गया तो इसके लिए फिर आगे क्या प्रयास किया जाएगा? बहाल नहीं किया, मैंने क्या बताया आपको कि अगर दो दिन में ये नहीं होता है तो कल से हम भी इनके साथ बैठेंगे। मेरी नाइट ड्यूटी चल रही, मैं अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके इनके साथ बैठूंगी। हम अपनी पब्लिक की सेवा नहीं बंद करेंगे, क्यों, हम सेवा के लिए पैदा हुए और ये बच्चों ने भी सेवा करी बहुत ज़्यादा। इन्होंने कोविड के समय में, आप जानते हैं कोविड के समय क्या हालत थी, लोग अपने माता पिता को छोड़ छोड़ के भाग गए थे, लेकिन हमारे बच्चे हमारे साथ जुट के काम कर रहे थे। इसलिए हम सीनियर सब इनके साथ में हैं, सब ड्यूटी पे, और उसके बाद ही सब इनके साथ बैठते हैं यहाँ पर। मैडम क्या नाम है आपका? अरे क्या क्या हुआ? किसी अधिकारी ने कोई आश्वासन दिया आपको? कोई आया अधिकारी? अच्छा, क्या आप चाहते, क्या है डिमांड, क्या आपकी मेन? आपको जो कल्प्रिट बोल रहे हैं।